गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तिलकराज बिगाड़ा, एजुकेशन पॉइंट विद तिलकराज बिगाड़ा में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सोशल साइंस की जो बात करते हैं, उसमें जैसे हमने पहला लेसन करवाया था आपको भारत में राष्ट्रवाद, और जो अब हमारा लेसन चला हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आज हम बात करेंगे कि इटली के एकीकरण के लिए किन लोगों ने सहयोग किया या किन किन लोगों ने काम किया। उनमें सबसे पहले बात आती है जूसेपे मेसनी। जूसेपे मेसनी, जूसेपे मेसनी कौन था? जूसेपे मेसनी एक इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। इसने क्या किया? इसने इटली के एकीकरण के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए। इसका जन्म 1807 में, कब हुआ था इनका जन्म? 1807 में, 1807 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? जेनेवा में, जेनेवा में इनका जन्म हुआ था। और जब बहुत कम उम्र में अगर बात आती है लोगों की, तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी। और ये जो कार्बोनारी का एक उप संगठन था, उसका सदस्य बना। और उसके बाद मात्र 24 साल की उम्र में ये लिगुरिया की जो क्रांति थी, उसके कारण इनको बहिष्कृत कर दिया गया था। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, ये चुप नहीं बैठे। इनके मन में एक टीस थी कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से किया जाए। इन्होंने फिर दो संगठन बनाए। एक संगठन इन्होंने मार्सेई में बनाया। मार्सेई में जो संगठन बनाया उसका नाम था यंग इटली। मार्सेई में जो संगठन बनाया उसका नाम था यंग इटली। और दूसरा संगठन इन्होंने जो बनाया था वो बर्न में बनाया था, जिसका नाम यंग यूरोप था। बर्न में बनाया था, जिसका नाम यंग यूरोप था। और जो इनका ये यंग यूरोप संगठन था, ये खाली इटली इटली में नहीं, बल्कि इटली के साथ फ्रांस और पोलैंड के युवा भी इसके अंदर बहुत ज्यादा शामिल थे। इसका मतलब ये था कि इसने बहुत ज्यादा जगह पर घूम के इसको इटली को एक बहुत मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका मानना था, इनका एक मानना था कि जो एक राष्ट्र होता है वो परमात्मा की नजर में जो मनुष्य होते हैं उनकी प्राकृतिक इकाई होती है। इनका मानना था कि जो मनुष्य होते हैं ना, वो एक भगवान के है ना, भगवान की नजर में उनके लिए एक राष्ट्र ही प्राकृतिक इकाई होती है। उसके बाद ये फ्रांस में, इटली में, पोलैंड में इन्होंने बहुत ज्यादा गुप्त संगठन बनाए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना, उसने इनको बहुत बड़ा अपना दुश्मन बताया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को इन्होंने बहुत ज्यादा, जो हम कह सकते हैं कि समस्या ऑस्ट्रिया के लिए इन्होंने पैदा कर रखी थी। और इस कारण ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। ये जूसेपे मेसनी के बारे में हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कावूर, कावूर कौन था? कौन था कावूर? सार्डिनिया फ्रीडमेंट का जो शासक था, इमेनुएल द्वितीय, उसका प्रधानमंत्री था। ये कोई क्रांतिकारी नहीं था। अगर हम कावूर की बात करें, ये कोई क्रांतिकारी नहीं था, और ना ही इसको किसी प्रकार के जन आंदोलन के अंदर विश्वास था कि आदमी मिलकर के ये कर सकते हैं, आदमी मिलकर के वो कर सकते हैं। इसकी बस एक खास बात थी कि फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे से जानता था। कौन सी भाषा जानता था? ये फ्रेंच। और इसका ही इसने फायदा उठाया, और जो सार्डिनिया पीडमांट की जो संधि थी वो करवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। सार्डिनिया पीडमांट की संधि इसने ही करवाई थी। और यही कारण है कि इसी संधि के कारण, जो सार्डिनिया पीडमांट की संधि थी, इसी के कारण 1859 में इसने, कब? 1859 में क्या किया इसने? ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे गैरिबाल्डी की। इनमें अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो गैरिबाल्डी का पूछा जाता है कि गैरिबाल्डी कौन थे? गैरिबाल्डी क्रांतिकारी थे। किसके बारे में बात करेंगे हम? गैरिबाल्डी। और अगर परीक्षाओं के अंदर हमेशा यही पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो जो मैं आज आपको बता रहा हूं, सभी का इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा योगदान था। गैरिबाल्डी कौन था? गैरिबाल्डी क्रांतिकारी था, एक देशभक्त था, और उसका जन्म
1807 में हुआ था। गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? 1807 में, और इसका जन्म नीस में हुआ था। गैरिबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था, और इसके जो पिताजी थे वो एक मछुआरे थे। जब आप जानते हैं कि अगर इनके पिताजी मछुआरे थे तो ये भी उनके साथ रहते थे, और ये एक बहुत अच्छे नाविक बन गए थे। और उसके बाद इन्होंने 1834 में एक आंदोलन जो मेत्सिनी ने किया था उसमें मेत्सिनी का साथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो 1834 में मेत्सिनी जो आंदोलन कर रहे थे उसमें इन्होंने साथ दिया था, उसमें ये पकड़े गए थे, और पकड़े जाने के बाद इनको सजा हुई। लेकिन ये क्या किया, इन्होंने किसी तरीके से बच करके अमेरिका में भाग गए, और अमेरिका में जाकर के इन्होंने गुरिल्ला युद्ध था, जो एक प्रकार का लड़ाई होती है, एक युद्ध होता है गुरिल्ला युद्ध, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से निपुण हो गए। गुरिल्ला जो युद्ध होता है उसमें पूरे अच्छे तरीके से निपुण हो गए, और जिसका इन्होंने बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया है। और फिर बात आती है कि इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपना योगदान किस तरीके से दिया था। जब इटली में जो ये थे गैरिबाल्डी उस समय थे, तो इन्होंने उसके जो गणतंत्र था ना, इटली गणतंत्र बन गया था, तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया था। इन्होंने बोल दिया था कि इटली के गणतंत्रता की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रोम की जो दक्षिणी सीमा थी उनमें बहुत सारे युद्ध किए, और उन युद्धों में इन्होंने भाग लिया। और उसके बाद 1860 में सिसिली के जो शासक थे उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1860 में इन्होंने क्या किया, सिसिली के जो शासक थे उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उसके बाद इन्होंने लाल कुर्ता रेड शर्ट एक दल था, एक संगठन था जो हमेशा पूछा जाता है, उसके साथ मिलकर के सिसिली पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद इन्होंने नेपल्स पर आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया। उसके बाद किस पर आक्रमण किया इन्होंने, नेपल्स पर, और उसको भी इन्होंने जीत लिया। उसके बाद बात आती है बिस्मार्क की। बिस्मार्क कौन था? अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, ज्यूसेपे मेत्सिनी, कावूर, गैरिबाल्डी, अब बात करेंगे हम बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? जो प्रसा के राजा था विलियम प्रथम उसके प्रधानमंत्री थे, और जो प्रसा की सेना थी उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया इन्होंने, हर प्रकार से प्रसा की सेना को मजबूत किया। और 1862 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया जो देश था उसको अपना मित्र बनाया, और उसको मित्र बनाने के बाद ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के इन्होंने डेनमार्क को हराया। किसको हराया? डेनमार्क को। और यहाँ पे देखिए इनका दिमाग कितना तेज दिमाग था इनका। इन्होंने डेनमार्क को ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर हराया, उसके बाद क्या हुआ, डेनमार्क से इनको मिले डच, इस युद्ध की बदौलत इनको डच मिले, और उन डच्चियों का सहारा लेकर के फिर इसने ऑस्ट्रिया को हराया। देखिए सबसे पहले क्या किया इसने, ऑस्ट्रिया के साथ संधि की, उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के साथ संधि करने के बाद डेनमार्क को हराया, फिर क्या हुआ, डेनमार्क से जो इनको डच मिले थे उनकी सहायता से उनका सहारा लेकर के फिर इन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, जो मैन नदी के उत्तर में जितनी भी रियासतें थी, कौन सी नदी के उत्तर में, मैन नदी के उत्तर में जितनी भी रियासतें थी उन सभी को मिला करके जर्मन राज्य की स्थापना कर दी। और उसके बाद 1871 में, कब, 1871 में, 1871 में इन्होंने क्या किया, फ्रांस पर विजय प्राप्त करके इन्होंने इटली का आविष्कार किया, और इटली यूरोप में एक जाना माना राष्ट्र बन के उभर गया, एक जाने माने राष्ट्र के रूप में उभरा। तो ये हमने पढ़े कि इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए क्या योगदान दिया, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इटली का एकीकरण से क्या अभिप्राय है, या इटली का एकीकरण किन्होंने किया, या इटली के एकीकरण में किन किन का योगदान रहा। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जिन्होंने भी ये काम किए हैं, जैसे मेत्सिनी, कावूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, इन्होंने जो इटली के एकीकरण के लिए कार्य किए वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात आते हैं नेपोलियन की।
उसने अपने काल में यूरोप को एक बहुत अच्छा एक राष्ट्र बनाने के लिए, फ्रांस को एक बहुत अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उनमें अगर बात की जाए जो 1804 में उन्होंने नागरिक संहिता लागू की थी, कब की थी? 1804 में जो नागरिक संहिता लागू की थी, नागरिक संहिता जो लागू की थी 1804 में, उसको ही नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है कि नेपोलियन की संहिता थी। इसने क्या किया, जो आदमी को जन्म के आधार पे जो अधिकार मिले होते थे उनको समाप्त कर दिया, जो जन्म के आधार पे मिले होते थे उनको समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने जो कानून इन्होंने बनाए उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। उसके बाद इसने प्रशासन का जो विभाजन था, यानी कि किसको कितने अधिकार देने चाहिए, उसको एक बहुत आसान बना दिया। और इसने जो सबसे मेन चीज की थी वो क्या की थी, जो सामंती प्रणाली होती थी, जो सामंती प्रणाली यानी कि बहुत बड़े बड़े जमींदार, उसको समाप्त करके, जो सामंती होती थी उसको समाप्त करके, और इसने जो जमींदारों के ऊपर कर होते थे, जो छोटे किसानों को टैक्स देने पड़ते थे उनसे मुक्ति दिलाई, और जो भूमि के मालिक होते थे, जो अपने आप को मालिक समझते थे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की थी उनसे उनको आजाद कराया। और सबसे मेन चीज इसने क्या की, यातायात प्रणाली के अंदर बहुत ज्यादा सुधार किए, और पूरे देश के लिए इसने एक ही राष्ट्रीय मुद्रा लागू कर दी। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब इसने एक ही मुद्रा अगर लागू की तो उससे क्या हुआ, पूरे देश में व्यापार को बढ़ावा मिला। और अगर कहीं पे व्यापार को बढ़ावा मिलता है तो उससे वहां के व्यवसाय को एक नया आयाम मिलता है, उस राष्ट्र को तरक्की का एक नया आयाम मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। जो कार्य मैंने आपको बताया है वो आप बता सकते हैं, जो 1804 की उसकी नागरिक संहिता थी उसमें उसने क्या क्या किया था। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जितना मैंने बताया इनमें से एक क्वेश्चन जो आज मैंने करवाया वो पक्का आएगा। ये हर बार अलग अलग कोड में पूछे जाते हैं, और आप इनको रट्टे मत मारना, आप इनको समझना कि कावूर ने क्या किया, मेसिनी ने क्या किया, बिस्मार्क ने क्या किया, और उसके बाद ये नेपोलियन के जो कार्य थे इन्होंने क्या किया। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।